नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद एनडीए जिंदाबाद, मधेपुरा की महान जनता। मधेपुरा के रास बिहारी उच्च विद्यालय मैदान में एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के चुनावी जनसभा में सीएम नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भाग लिया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि आज चाय बेचने वाले के बेटे, जिसकी माँ बर्तन मांझने का काम करती थी, उसने देश और दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि देश के 547 सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं है, बस एक उम्मीदवार है, नरेंद्र मोदी। वहीं लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि देश की मजबूती के लिए मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत होती है। उन्होंने पूछा कि देश को 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री चाहिए या 6 इंच वाला। अपने संबोधन में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, आतंकवाद के खिलाफ जो ठोस काम हुआ है, इससे देश का मान सम्मान बढ़ा है। वहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें संविधान का क ख घ मालूम नहीं है, वो संविधान खतरे में है कहकर संविधान बचाने के लिए जगह जगह वोट मांग रहे हैं। दिनेश यादव उम्मीदवार नहीं है, दिनेश्वर कामत उम्मीदवार नहीं है, हिंदुस्तान की सभी 543 लोकसभा की सीटों पर एक ही उम्मीदवार है, वो है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। इसलिए हमारे सामने में पहला लक्ष्य है कि मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए कि कमजोर प्रधानमंत्री चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि 6 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहा, तीसरा हम लोगों का एनडीए गठबंधन है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार ने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया है। उनके कार्यकाल में देश की इज्जत दुनिया में बढ़ी, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, भारत के लोगों का मान और शान बढ़ा, आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से ठोस कार्रवाई उनके नेतृत्व में की गई है, उसका प्रभाव देश के नागरिकों पर बहुत अच्छा पड़ा है और सबके मन में एक आत्मसम्मान का भाव जगा है।